इस फिल्म की शुरुआत होती है लॉरेंस से। अपने हस्बैंड मार्क से उसका डिवोर्स हो चुका है। अपने बच्चों को संभालते संभालते वो परेशान हो चुकी है। वो काफ़ी इरिटेटेड रहती है। फिलहाल वो एक ब्लाइंड डेट पर पहुंची है। यहाँ उसकी मुलाकात हुई है जिम से। जिम की कहानी भी सेम ही है। उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, पर पीछे छोड़ गई हैं 3 डॉटर्स को और इन्हें हवाले कर गई है जिम के। जिम और लॉरेन की मुलाकात बड़ी हॉरिबल रही है। इन्होंने ऑर्डर कुछ और किया था और आया कुछ और है। यहाँ काफ़ी कॉमिक सीन क्रिएट होता है। इस तरह ये डेट फेल हो गई है। लॉरेन अपने फ्रेंड जेन से इस बारे में बताती है। जिम भी अपने इस डेट के फेल होने की बात अपने कोवर्कर से कहता है। लॉरेन जेन से कह रही है कि उसे नहीं मालूम था कि जिम के 3 डॉटर्स हैं। मैं अपने बच्चों को तो संभाल नहीं पा रही हूँ, तो भला उसके बच्चों को क्या संभालूंगी। जिम भी अपने कोवर्कर से कह रहा है कि उसकी डेट शायद बेहतर हो सकती थी, उसने कोई गलती कर दी। जिम की बड़ी डॉटर हिलरी किसी की सुनती ही नहीं। वो काफ़ी खूबसूरत है, पर अपनी दोनों छोटी बहनों की तरह वो भी खुद को लड़कों के गेटअप में रखती है। इन तीनों सिस्टर्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लड़कियां हैं। कुछ दिनों बाद लॉरेन और जिम की मुलाकात हुई है एक फार्मेसी में। पहले तो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। दोनों की पहली डेट बुरी तरह फेल हुई थी, अब इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। पर काउंटर पर कैशियर गलती से इनके कार्ड स्विच कर देती है। जिम वापस लॉरेन के घर पहुंचा है कार्ड्स को फिर से स्विच करने। लॉरेन के घर पर जेन है। जेन का अपने बॉयफ्रेंड डिक से ब्रेकअप हो गया है। डिक जिम का बॉस है, पर ब्रेकअप से पहले दोनों ने अफ्रीका की ट्रिप के लिए पेमेंट कर दी थी। लॉरेन को जब जेन से पता चला है कि ट्रिप की पेमेंट हो चुकी है, तब वो जेन के हिस्से पर अपने बच्चों के साथ अफ्रीका पहुंची है। यहाँ उसे देखकर शॉक लगा है कि जिम, जिसे कि लॉरेन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो भी अपने बच्चों के साथ है। यहाँ पता चलता है कि जिम भी अपने बॉस के हिस्से पर वैकेशन मनाने आया है, यानी इन दोनों का होटल भी सेम है। लॉरेन जिम पर काफ़ी गुस्सा होती है। इनका होटल अकोमोडेशन एक रोमांटिक सुइट में है। इन्हें पैकेज के तौर पर ब्लेंडेड हनीमून पर रखा गया है। यहाँ इन्हें और भी कपल्स मिलते हैं। एडी और उसकी वाइफ जिंजर भी यहाँ हैं। एडी ने हाल ही में शादी की है। उसकी नई ब्राइड उसकी जूनियर है। एडी की पहली शादी से 5 बच्चे हुए। बड़ा बेटा जेक यहीं पर बैठा है। जेक ने जब जिम की बड़ी बेटी हिलरी को देखा है, तब उसे देखता रह जाता है। हिलरी भी जब जेक को देखती है, तब उसे भी जेक भा गया है। यहाँ सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से बड़े ऑकवर्ड तरीके से मिलते हैं। बड़ा ही अजीब इंप्रेशन ये एक दूसरे के लिए बनाते हैं, पर धीरे धीरे बच्चे आपस में बॉन्डिंग बढ़ाना शुरू करते हैं। हिलरी और जेक में अब रोमांस डेवलप होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि जिम लॉरेन के बेटों से क्लोज होने लगा है। लॉरेन का छोटा बेटा बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। उसे बॉलिंग कर रहा है अफ्रीकन टीम का फास्ट बॉलर डेल स्टेन। वो डेल स्टेन की बॉल्स को खेल नहीं पा रहा। जिम यहाँ आकर उसे मोटिवेट करता है और लॉरेन के बेटे से कहता है कि डेल स्टेन को बॉलिंग नहीं आती, कोई भी उसकी बॉल पर छक्का मार देता है। इस पर टाइलर अगली बॉल पर छक्का मारता है। अब टाइलर में कॉन्फिडेंस आ गया है। डेल स्टेन ये सब देखकर हैरान होता है। इसके बाद यहाँ ब्रेंडन पहुँचा है। जिम उसे भी डेल की बॉलिंग खेलने के लिए मोटिवेट करता है। लॉरेन भी अब जिम की डॉटर से घुलने मिलने लगी है। वो जिम की बड़ी बेटी हिलरी से मिलती है। वो उसे कहती है, इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, तुम लड़की के गेटअप में क्यों रहती हो। हिलरी कहती है कि उसकी मदर नहीं है, उसे सजना संवरना नहीं आता। लॉरेन उसके चेहरे के बालों को हटाती है। उसे कहती है, मैं पार्लर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें मेकओवर की ज़रूरत है। हिलरी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। लॉरेन कहती है कि पैसे वो खुद पे करेगी। यहाँ बातों बातों में हिलरी बताती है कि वो जेक को पसंद करती है। शाम को जब हिलरी आई है, तब वो बेहद ही खूबसूरत और हॉट लड़की बनकर आई है। जिम तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा। जिम अब लॉरेन का शुक्रगुजार है जिसने हिलरी को बदल कर रख दिया। जब जेक उसे देखता है, तब वो भी हिलरी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। इस तरह दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। जिम और लॉरेन भी अब एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। एक मसाज सेंटर में पहुँचते हैं। जिम यहाँ लॉरेन को मसाज दे रहा है। लॉरेन को जिम के मसाज करने का अंदाज भा गया है। उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। अब वो पसंद करने लगी है जिम को। रात को जिम की सबसे छोटी बेटी लू कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। लॉरेन उसे सुलाने जाती है। वो एक पोएम सुनाती है। जिम की बाकी डॉटर्स भी इसे सुनती हैं, पर वो ये रिवील नहीं करती कि वो जगी हुई हैं। लॉरेन जो पोएम सुना रही है, वो है ओवर द रेनबो। इसी पोएम को जिम की वाइफ अपने डॉटर्स को सुनाती थी, पर लॉरेन को नहीं पता कि गलती से उन्होंने इन बेटियों को उनकी माँ की याद दिला दी है। लू के सोने के बाद लॉरेन यहाँ से बाहर आ गई है। जाने से पहले वो तीनों डॉटर्स को बड़े प्यार से किस करती है। अब जिम भी लॉरेन के लिए फीलिंग्स रखने लगा है। ये एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं। यहाँ लॉरेन पैराशूट में फ्लाई कर रही है।
जबकि जिम नीचे से उस पैराशूट को बांध ही लिए जा रहा है। पर एक कॉमिक सीन क्रिएट होता है तब जब जीप में फ्यूल ख़त्म हो गई है। इधर जैक और हिलरी मिले हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी यहाँ जिराफ आकर इन्हें डिस्टर्ब करते हैं। स्ट्रिप की लास्ट नाइट आ गई है, लॉरेन ब्लैक ड्रेस में आई है, सभी उसके ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं। जिम और लॉरेन रोमांटिक डिनर के लिए एक साथ बैठे हैं, पर यहाँ ये डिस्क्लोज होता है कि जिम ने इसे लॉरेन के लिए प्लान किया था। यहाँ ये आपस में बातें करते हैं, अपने अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे थे कि तभी अंतिम मोमेंट पर जिम ने अपने आप को रोक लिया। लॉरेन उससे पूछती है कि आखिर वो खुद को रोक क्यों रहा है। जिम कहता है कि उसे खेद है, वो ये सब नहीं कर सकता। इस तरह इनकी दूसरी डेट भी फेल हो गई है, अब ये वापस अमेरिका आ गए हैं। जेन से लॉरेन डिस्कस करती है कि किस तरह जिम ने उसे किस नहीं किया। जेन कहती है कि जिम एक नंबर का इडियट है, भला वो लॉरेन को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इधर जिम को रियलाइज़ हुआ है कि वो लॉरेन के लिए फीलिंग्स रखता है। अपनी डॉटर से भी वो इस बारे में बताता है कि वो लॉरेन को पाना चाहता है। उसकी डॉटर ये सुनकर बड़ी एक्साइटेड हुई हैं। जिम की मिडिल डॉटर ESPN अभी भी अपनी माँ को, जो कि मर चुकी हैं, उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रही है। वो जिम की नई रिलेशनशिप से ज़्यादा खुश नहीं है, पर जिम अपनी डॉटर्स के लिए और अपने खुद की फीलिंग्स के लिए फ्लावर्स लिए लॉरेन के घर पहुँचा है। पर यहाँ उसे लॉरेन का एक्स हस्बैंड मार्क मिला है। टायलर जिम को देखकर एक्साइटेड हुआ है और जिम के साथ खेलना चाहता है, पर मार्क उसे घर के अंदर भेज देता है। मार्क जिम से कहता है लॉरेन और मैं अब साथ में हैं। ये सुनकर जिम उदास वापस अपने घर आ गया है। इधर जब लॉरेन घर पहुंची है तब मार्क कहता है कि वो फिर से लॉरेन की ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। लॉरेन कहती है तुम एक अच्छे फादर नहीं हो। इसके साथ ही वो याद दिलाती है कि किस तरह मार्क ने गैर औरतों से अफेयर किया था। वो सब बातें लॉरेन अभी तक नहीं भूली। इस तरह उसने मार्क को यहाँ से खदेड़ दिया है। अगले दिन टायलर का बेसबॉल गेम है, लॉरेन और ब्रेंडन उसे सपोर्ट करने पहुँचे हैं। यहाँ जेन भी ड्रिक के साथ आई है, दोनों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर ली है, दोनों अब साथ में हैं। जेन अब ड्रिक के पांचों बच्चों के साथ भी रहने को तैयार है। मार्क यहाँ टायलर को सपोर्ट करने नहीं आया, पर टायलर की हेल्प के लिए यहाँ काफ़ी लोग हैं। टायलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तभी यहाँ जिम अपनी डॉटर्स के साथ उसे प्रोत्साहित करने पहुँचा है। जिम उसे बॉल बिल्कुल वैसे हिट करने को कहता है जैसे उसने अफ्रीका में सिखाया था। टायलर याद करता है कि उसने डेल स्टेन की बॉल को किस तरह हिट किया था। टायलर इस बॉल को भी लंबा हिट करता है, इस तरह वो इस मैच को जीत गया है। जिम और लॉरेन इसके बाद मिले हैं। जिम कहता है कि वो लॉरेन से मिलने घर आया था, पर उसे लगा कि मार्क और वो वापस साथ में हैं। लॉरेन कहती है कि वो सिर्फ जिम को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं, इस तरह दोनों अब शादी करने को तैयार हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।